दोस्तों टाइम इस समय 6:30 बज रहा है शाम को और रात होने वाली है। तो घर से फ़ोन आया था ये कि वहीं पे कुतिया थी जो बच्चा की थी, तो उधर उधर घूमता फिरता रहता था। तो घर पे आया था, शायद सब लोग देखे हैं, बता रहे हैं फ़ोन से कि उसको शायद कोई कुत्ता या कोई सियार वगैरह या कोई जानवर काट लिया है, तो उसकी ओझड़ी जो है बाहर निकल आई है। तो सुन के बहुत दुख हुआ, तो एक डॉक्टर साहब से संपर्क किए तो बोले चलो अच्छा हम चलते हैं। तो अब हम दुकान बढ़ाने जा रहे हैं, उन्हीं को लेके जा रहे हैं घर, और देखते हैं अगर उसका सिलाई उलाई कर देंगे, दवा कर देंगे, बच जाएगा तो बच जाएगा, नहीं बचेगा तो कोई बात ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो अपने बस में है वो करने का प्रयास करेंगे। अब उनको लेके हम डॉक्टर साहब को चलें, दुकान बढ़ाएंगे और डॉक्टर साहब को लेके घर जाएंगे, फिर आप लोग को भी दिखाएंगे उसकी कैसी कंडीशन है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है, इसे देख के बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, बट जो हो पा रहा है सो किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट करेंगे, देखते हैं बस जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है। जो अपने बस में है वो किया जाएगा। लग रहा है कहीं पे इसको या तो कुत्ता कोई काटा है और या फिर इसको सियार काटा होगा। देख सकते हैं दोस्तों बहुत बुरी कंडीशन हो गई है बेचारे की, लेकिन अभी भी ये जी रहा, चल भी रहा इधर उधर, देख सकते हैं। बहुत गर्म ना हो पानी, बहुत गर्म ना हो, सीध गर्म तो बहुत अच्छा। सो दर्द हो रही है, रामनगर करवा ले भी हन जाए, फिटकरी होती तो जल्दी साफ हो जाता। अंदरवा बड़ा कचड़ा चल गया, रामनगर से करवा ले भी हन। अच्छा ब्लड टेस्ट कराओ इसको, हाँ इसको ब्लड यूरिन टेस्ट कराओ। हे बाबू उगड़ो पकड़ता हूँ, अरे कितना फिर के लिए चाहिए। हाँ डर है, हम डर पहले तब कहो पहले एंटी एक्सीडेंट है, मतलब काम करी तब यह गलत घिस गया है, नहीं कट गया है, ये ना बची अब, चलो बचने की कंडीशन नहीं है इसकी अब, कट गया है ना। लो तो 2000 दवाई चोंग दे लोते, दूसरे की यहाँ देखा हुआ होता। पानी गिरा, पानी पानी लगे, गिराओ गिराओ गिराओ, थोड़ा थोड़ा गिराओ 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 गिराओ, कोनो बात ना, बहुत कम गरम है, रुक ले तीन थाम थाम गिराओ गिराओ, अंदर वाना जाए बाहर आ जाए, और का टेस्टवा करवा लो ओकर, गिराओ मर गेल का अभी जिंदा हमारा नहीं है। अच्छा और बैठा 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 रहा बैठा, हाउ पैर पकड़ो पैर, चलो ठीक है, पूरा नोच लिया है साला, कुछ नीचे से उसका पूरा वेट वाटर लगा तो हुआ का, कोई बची ना लगा देखा तो कट गया है जरा सा बस, कुत्ता है मर्द इन्हें हड्डी बचा देना तो कौन बड़ी बात ना है, है कि ना हो सही है, हमने जैसे ना होले आ तो इन्हें और हार्ड होला बच्चे सका रही बात ना, अगर इतने बेर बच जाए तो जी जाए कुछ दिन, ये कर ऑपरेशन होती है अगला नहीं तो और फाड़ा था तनकी डॉक्टर साहब, नहीं मतलब फाड़ ले ज्यादा नुकसान है, अब जैसे निकल हो ऐसा घुस जाए, गुड़ो 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 दबाओ गुड़ो, काट के इसको अंदर खींच लिया, हमें कुत्ता तो ना खींचे चाहिए सन, क्या है ना मतलब सियारे लगत होई हाई कुल सियारा टहल ना है ना, सियारे काम हो सियार कुत्ता ना खींचे तोड़ देते है, दरअसल झाल झूम गया रहा होगा कहीं पे और वहीं पे मौका पाके पकड़ लिया होगा, जुआ झपकड़ कर। तो बहुत दर्द हो रही है, हम्म,
100 रुपये ठीक। अब इसकी जिंदगी विधाता के हाथ में है। लाओ 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 फट से लेके आओ। मान लो अगर कटिल भरा हो रहा कट सका लो। ए उत्कर्ष जल्दी ला जल्दी ला। उन्हें को वजह सुन के ही हो और दोस्तों जो करना था सो डॉक्टर साहब कर दिए। डॉक्टर साहब की जितनी सराहना की जाए वास्तव में कम है। और इस वो घर जा रहे थे डॉक्टर साहब, हम इनको जब लेके आए एक बार बोले तुरंत डॉक्टर साहब तैयार हो गए, बोले कि चलो हम चलते हैं। फिलहाल जो करना था सो कर दिया जा रहा है। अब बच्चे ना बचे तो गार्ड के हाथ में है सब कुछ। और देख सकते हैं दोस्तों टाका लग चुका है इसका, बट थोड़ा मुश्किल है विधाता जाने क्या होगा। इसको पट्टी लग रही है। ज़्यादा टाइट तो ना हो गया ना, टाइट तो हमको जरूरी है ले फिर बात देखे। ये तो ये लगा चलो पट बना तो अटिया कर टाइट झस कर अपनी जगह पे धीरे धीरे, ज़्यादा ना टाइट कवर हो गए है ना। क्या है कुछ किया वाला है क्या? तो ये डॉक्टर साहब हैं तो कुछ कंडीशन मतलब उसकी बचने की उम्मीद है? हाँ तो उसकी सही जगह पहुँची नहीं, इससे कुछ चांस कम है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं मतलब चांस कुछ बहुत ज़्यादा कम है, बट जो कर्म था वो कर दिया गया है। दोस्तों हम डॉक्टर साहब को छोड़ के आ चुके हैं घर, और डॉक्टर साहब अपना कोई चार्ज नहीं लिए हैं। जो मेडिकल से उसके लिए इंजेक्शन लेके आए थे बस उसी का हमें चार्ज देना पड़ा है। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या किया जा सकता है। जो अपने बस में था सो कर दिया गया है। अब सब विधाता जाने विधाता के ऊपर है कि कैसा क्या है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। नेक्स्ट में हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि उसकी कैसी कंडीशन है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि लोगों के प्रति और जानवरों के प्रति लोगों के अंदर थोड़ी सी भी स्नेह मोहब्बत थोड़ा बढ़े। और आप लोग को कहीं भी ऐसी भी कोई सिचुएशन में जानवर वगैरह कहीं भी दिखे तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग उनकी हेल्प कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारा हौसला बढ़े। और ताकि हम इसी प्रकार के अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हम भी मोटिव थोड़ा हुए इस प्रकार की हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग खुश रहे, मुस्कुराते रहे। हम आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।